जैसे कृष्णा, आज मैं आपको चुकंदर का सूप बताने जा रही हूँ, बीट रूट का सूप बताने जा रही हूँ। तो इसकी विधि बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे शेयर करिए। सो गाइस, देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये मैंने दो चुकंदर लिया है, इसे अच्छे से छील के, इसे धुल के, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। ये मैंने आधा चम्मच काला नमक लिया है, 10 दाना ये काली मिर्च ली है, इसे मैंने क्रश कर लिया है, और ये आधा इंच कसा हुआ अदरक लिया है, ग्रेटेड जिंजर लिया है ये, और ये मैंने आधा नींबू का रस लिया है। बहुत ही आसान विधि है फ्रेंड्स। तो इसे लेके एक मिक्सर ग्राइंडर की जार में हम इसे डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है, और ये बस हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, और पानी ऐड करके हम इसे फिर से एक बार चला लेंगे, हम इसे फिर से एक बार पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, और इसे हम सिंपली लेके बस ये कुकर में मैंने इसे डाल लिया है। ये लगभग मैं 4 से 5 लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ। तो इसमें हम 4 गिलास पानी डाल देंगे फ्रेंड्स। इसमें मैंने 4 गिलास पानी डाल दिया है, और मैंने गैस को डाल के हम इसका ढक्कन लगा देंगे, और इसे 3 विसल होने देंगे, और इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 3 विसल हो गई थी और मैंने गैस को ऑफ कर लिया था, और ये मेरा इसका, और ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे खोलते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसे लेके एक भगोने में, हम एक छन्नी रख के हम इसे छान लेते हैं। हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे छान लिया है, और ये मेरा सूप एकदम तैयार हो गया। हम इसमें जो आधा नींबू का रस है ये मैं इसमें डाल दूंगी, और हम अब इसे एक ग्लास में, अब हम इसे एक ग्लास में सर्व करेंगे। और उसके बाद ये जो काला नमक है ये हम इसमें डाल लेंगे, डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर और गाजर भी डाल सकते हैं। मैंने ये बस इसमें प्लेन चुकंदर ये लिया है, और ये मेरा सूप एकदम तैयार हो गया, सेहत और स्वाद से भरपूर और हेल्दी। हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सूप तैयार हो गया है, और ये जो काली मिर्च है ये हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी डाल, ये आपकी पसंद के ऊपर है, चाहे आप काली मिर्च डालिए, चाहे जीरा नमक डालिए। और ये मेरा सूप तैयार हो गया है, एकदम इंस्टेंट और हेल्दी सूप है ये। आप भी ये सूप जरूर ट्राई करिएगा। सो गाइस, फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ। टेक केयर।